मेरा नाम है दिलीप सिंह राणा और मैं हिमाचल से हूँ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी लोग मेरे को जानते हैं ग्रेट खली के नाम से, क्योंकि जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में कदम रखा तो उन्होंने मेरे को नाम दिया ये द ग्रेट खली। तो तब से मेरे को जो वर्ल्ड वाइज वो ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। तो ग्रेट खली को जब हमने पहली बार जाना और सुर्खियों में आया, वैसे तो हम आपको उस वक्त से जानते जब आप शिमला में भी होते थे, लेकिन जब एक स्टार आपने हराया था अंडरटेकर को, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? वो सफ़र इतना लंबा कैसे तय किया आपने? वो हार्ड था वो एक सफ़र, क्योंकि आपने बताया कि शिमला से मेरे को आप जानते हैं। तो मैं 94 पे मैं पंजाब पुलिस में आया। मैं उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहा वहाँ पर, और मैं मिस्टर इंडिया रहा 97-98 पे। तो उसके बाद मेरे को लगा कि भी नहीं, कि भी मैं कुछ और भी कुछ कर सकता हूँ। और मैं जब टीवी देखा था, मैंने पहली बार टीवी देखा, मैंने लिया था पहले ही दिन लेते हुए तो WWE आ रही थी। मतलब मेरी ये अपनी सोच थी कि भी फालतू का टाइम है ख़राब करना, टीवी देखना, वो देखना। ये सेहत में मेरा ये ज़्यादा ध्यान होता था कि प्रैक्टिस करनी और घर आना, डाइट खानी और सो जाना। तो पहली बार मैंने टीवी लिया तो पहले दिन वो WWF चल रही थी, उस टाइम एफ थे WWF, तो वो चल रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म है, मैं एक्चुअली फिल्म समझता था। अमेरिका कैसे पहुंच गए? अमेरिका मेरे को MS भुल्लर ने पहले तो मना करी थी, एक साल का जो टाइम है उन्होंने बताया था भैया वहाँ पर आपकी टांग तोड़ देंगे, बाजू तोड़ देंगे या मतलब आपको मार देंगे। उन्होंने फिर मेरा जो वीज़ा था उन्होंने अपने पास रख लिया था, पासपोर्ट रख लिया था मेरा अपना अपने पास। तो ये था कि थोड़ा एक उदास हो गया था बहुत, कि मैं भी अब कैसे अब तो कोई चारा नहीं जाने का। जी, जी, जी। अब तो कोई ये नहीं मतलब जाने का, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट तो कोई ये नहीं। और लेकिन मैं इस सोचता था कि जाना जरूर है। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी एशिया के लिए बॉडी बिल्डिंग पे। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा है कि मेरे को जो बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन है वो बोलते हैं कि 40,000 रुपये दो और आपकी सिलेक्शन हुई है एशिया के लिए। तो उन्होंने फिर आगे किसी को बता दिया कि भाई आप ऐसा करो, इनको इनकी बात सुनो क्या बताते हैं। हाँ। तो उन्होंने फिर मेरे को कहानी कहानी पढ़ाती, मतलब नहीं ये लेना देना मतलब अभी तो ठीक नहीं होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, फंड पे पैसा नहीं है और आप अपने पैसे से जाओ। तो मैं उनको बताया भी तो ठीक है, मैं उनका मैं सोचता हूँ, मेरा पासपोर्ट दे दो वापस। तो मैंने पासपोर्ट लिया वापस। तो मैंने सोचा कि भी सारे दिन को एक हफ्ता में सोचता रहा, मैंने कहा 40,000 रुपये दूंगा, बड़ा अमाउंट इतना बड़े मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई मतलब अगर तुम तो मेडल आएगा तब तो शायद हो सकती है प्रमोशन होगी। अगर मेडल नहीं आएगा एशिया में तो 40,000 भी गए, 40,000 गया और मेरे पास मैंने कहा इतना पैसा नहीं है। बिल्कुल। तो मैं नहीं गया। मैं 40,000 था तो वो अपने मतलब टिकट पे लगा के मैं USA भी गया। हाँ।